यही है असल मुना गुजा वाला, जहाँ आप खड़े हुए हो बिल्कुल असल। एक नंबर चीज़ मिलेगी क्वालिटी वाली, खाओ अपने घर वालों के लिए भी लेके जाओ। असल हम लोग हैं, असल नंबर वन हम लोग हैं। अच्छा भाई, तो हम आए कोरंगी, और कोरंगी में आने का मकसद ये था कि यहाँ पर बड़ी मशहूर मिठाई मिलती है और गुजिया। तो भाई हम कोरंगी के गलियों को ढूंढते ढुनाते पहुँचे एक जगह, और यहाँ की ये मशहूर मुन्ना गुजिया। मगर यहाँ एक सीन हो गया है, सीन ये है कि यहाँ पर एक नहीं है, तीन मुन्ना गुजिया, और तीनों दावा कर रहे हैं कि हम असली हैं, हम असली हैं, असली हैं। बस सीधे तले को दिखाएं भाई, ये कह रहा है भाई नंबर वन मुन्ना गुजिया वाले ये हैं, आप जरा उल्टे हाथ में चले तो ये वाले भी यही कह रहे हैं कि हमें असल, और उसके पीछे भी नज़र आ रहा है वो भी अपने आप को असल कह रहा है, तो असल कौन है? तो फिर हमने सोचा क्यों ना आवाम से पूछा जाए। असल मुन्ना गुजिया वाले ये हैं भाई, असल यही है मुन्ना भाई गुजिया वाले, 1960 से कायम है गुजिया मुन्ना भाई की, बचपन से खा रहे हैं, बचपन से खा रहे हैं वही जायका वही मयार जैसा था हमेशा। तो असल वाले यही हैं, असल नकल के चक्कर में नहीं पड़े भाई, हम हमेशा से यहीं से ले रहे हैं, दैट्स ऑल। हम भी कंफ्यूज है, कह रही दोनों के जायके अच्छे हैं, तो इसका हल तो यही है कि हम दोनों से लेकर खाएं और चखें और आपको बताएं कि जायका वाकई किसका असल है और किसका नकली। तो दोनों के पास चलते हैं, दोनों के गुजिया खाते हैं और पूछते हैं ये होती किस तरीके से, बनती किस तरीके से, और ये कोरंगी की मिठाई क्यों इतनी मशहूर है। तो भाई ये है, पहले हम पहुँचे असल मुन्ना गुजिया वाले भाई के पास और इनसे पूछते हैं, और ये पड़ी इनके पास गुजिया, ये है 650 रुपये एक, और ये हमने ले लिए, अब चलते सामने, आए सामने आए। तो भाई आप आ गए दूसरे भाई के पास, भाई आप भी एक अपने से दिखाएं गुजिया यार अपनी, ये भाई ये ओरिजिनल है ये अभी भी भाई करा ओरिजिनल है, ये नंबर वन ये वाली है, वो भी नंबर वन अपने आपको कह रहा है, क्या करें फिर। तो भाई ये जो है हमने लिए पिछली दुकान की, और ये वाली है सामने वाली दुकान की, तो दोनों ही दावा कर रहे हैं। तो ये इनकी मिठाई है कोरंगी की बड़ी मशहूर, इसके अंदर खोया होता है, चार मगज होते हैं, दीगर लवाजमात होती है, तो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं इसकी, तो ज़रा खाते हैं, पहले इनकी खाते हैं और फिर उनकी खाने के बाद बताते हैं कि जायका दोनों में कैसा है। ये ज़रा पहली वाली तोड़े, खोया नज़र आ रहा है आपको, ये तो बड़ा मज़े का यार, वाकई इसमें कोई शक नहीं। आपने बालूशाही खाई है ना, बहुत उससे मिलता जुलता जायका है इसका, और जायका बहुत अच्छा है, खोया बहुत मज़ा दे रहा है। तो भाई ये वाकई बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, मतलब ये इनकी थी, और ये है सामने वाले भाइयों की, थोड़ी सी गर्म भी हो रही है और शीरे में तर रही है यार, ऑलमोस्ट एक जैसा जायका है, मतलब मीठा अच्छा है, खाने में मज़ेदार है, और मैंने आपको यही कहा कि जायका इसका बालूशाही टाइप का है, मगर ये अच्छी मिठाई है कोरंगी वालों के लिहाज से, और कोरंगी वाले बहुत तारीफ़ करते हैं इसकी। तो आप किसी की भी खाएं, दोनों ही असल है, दोनों का जायका अच्छा है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।